हेलो फ्रेंड्स, मैं आज पुराने कपड़े से पापोस बनाने जा रही हूँ। पहले आप कोई भी पुराना टी शर्ट या फ्रॉक ले लीजिए, ठीक है, जिसके दोनों तरफ जॉइंट हो, या फिर आप सी करके भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसे पतला पतला 1.5 इंच या 2 इंच की चौड़ाई, जैसा आपको बनाना हो, मोटा पतला 1.5 इंच या 2 इंच का चौड़ाई से इसे काट लीजिए, ठीक है। डेढ़ इंच या 2 इंच की चौड़ाई से काट लीजिए। इस तरह से बहुत सारे कपड़ा इस तरह से काट लीजिए, ठीक है। देखिए, बहुत सारा कतरन काटने के बाद अगर आपका जॉइंट रहना चाहिए दोनों, अगर नहीं है तो आप इसे सी सकते हैं, और टी शर्ट में तो सिलाई रहता है, ठीक है। दोनों तरफ जॉइंट रहना चाहिए इसमें, कहीं दूसरा दूसरा पीस लेके हम इसमें इस तरह से डालेंगे। ये दूसरा पीस लेके इस तरह से डाल दीजिए और इसमें चोटी बनाएंगे। इस तरह से चोटी बना लीजिए। ऐसे छोटी बना लीजिए। देखिए, अगर बिनते बिनते ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है, तो इसमें हम दूसरा लेके इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इसमें फंसा दीजिए। इस तरह से फंसा दीजिए, से बांध। इस तरह से फंस गया। इधर साइड भी छोटा हो गया है, इसमें भी इसको फंसा सकते हैं। इस तरह से ऐसे गिट्ठा लग जाएगा। इस तरह से जॉइंट करते हुए एक लंबा चोटी बना लीजिए। बहुत ही आसान है। से पूरा लंबा चोटी बना लीजिए, जोड़ जोड़ के जितना लंबा हो सके, जितना लंबा आपको पापोस बनाना है उतना इसमें जॉइंट करते हुए चोटी बना लीजिए। देखिए, ये बिनने के बाद ये ख़त्म हो गया। इसमें इस तरह से जॉइंट कर लीजिए।
इस तरह से जॉइंट कर, ठीक है। देखिए आपको जितना लंबा पापोस बनाना है, जितना बड़ा पापोस बनाना है उतना आप कपड़ा जॉइंट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम इसको सी लेंगे इस तरह से, इस तरह से इसको सीना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से करके आप इसको सिल दीजिएगा, यहाँ से इस तरह से इसको सीना है। देखिए इसको इस तरह से पकड़ के आपको जिधर से सुविधा हो उधर से आप घुमाते हुए इसको सीते जाइएगा, ठीक है। इस तरह से फिर इसे ऐसे करेंगे, इस तरह से इसे पूरा सिलते जाइएगा, जिस तरह से हेम करते हैं उसी तरह का दूरी से बनाते हुए। इस तरह से सिलते जाइएगा, जिस तरह से हेम का सिलाई करते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, इसी तरह से इसको सिलते जाइए, धागा को डबल कर लीजिएगा, पतला धागा को ही, ठीक है। जितना बड़ा आपको बनाना है इस तरह से कंप्लीट कीजिए। इस तरह से के लास्ट में मेरा इतना बच गया है, इसे हम टाइट टाइट करके, इसे थोड़ा टाइट टाइट करके बुन दीजिए। इसे खूब टाइट टाइट करके इस
तरह से भून दीजिए, ठीक है। इसको हम इसमें इस तरह से डाल के इस तरह से गांठ मान लीजिए। देखिए इस तरह से गांठ बांध दीजिए, लास्ट में एकदम टाइट टाइट बिनिएगा, पतला करके इसे पतला कर लीजिएगा, ठीक है। इसे हम दे देते हैं, इस तरह से सी लीजिए। इसको लास्ट में क्या करेंगे, इसको इस तरह से बैठा के सी देंगे, ठीक है। लास्ट में इसे लास्ट में इस तरह से बैठा के सी दीजिए, इस तरह से लास्ट में बैठा के सी देना है, ठीक है। तो इस तरह से लास्ट में उठा के ये सी दीजिए। इसको लास्ट में बिठा के सी के फिर इस जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसे आप काट दीजिएगा, ठीक है। Thank you.